मालका में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश में पराक्रम दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। 75वीं आजादी के अमृत महोत्सव और नेताजी की 125वीं जयंती मनाने की शुरुआत। कहा, देश की आजादी के लिए अपना जीवन लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी से देश के नौजवानों में होता है नई ऊर्जा का संचार। भारत देश को आजाद कराने के लिए ब्रिटिश सरकार से लिया था लोहा, तब मिली थी आजादी। इस मौके पर नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए और स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य को शाल भेंट कर उनका सम्मान किया। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया, देश को अपनी कुर्बानी देकर देश को आजादी दिलाई, उनको सम्मान के रूप में ये जयंती का हर वार्ड में, हर गांव में, पूरे भारत में प्रोग्राम। हम हर साल बड़े धूमधाम से नेताजी की जयंती मनाते हैं। अब की बार भी कोरोना की महामारी के चलते हमने एक छोटा प्रोग्राम रखा है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है और नेताजी को पुष्पांजलि अर्पित की गई है और उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलने की सबको, हर आदमी को नेताजी के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। वीर स्वतंत्रता सेनानी भारत के वीर सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल जय हिंद कल्याण मंच के सौजन्य से मनाई जाती है। जयंती तो बहुत ही बड़े स्तर पर मनाने की इच्छा थी पर कोरोना के चलते हमने प्रोग्राम को थोड़ा छोटा कर दिया और सभी ने फिर भी सैकड़ों की संख्या में अपने भाइयों ने इकट्ठा होकर आज़ादी के महानायक को याद किया। हम इस वीर सपूत के चरणों में कोटि कोटि। मालका से सीटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात, ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम बताएंगे आप। खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।